आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट। मैं हूं आपके साथ शक्ति सिंघानिया। आज के समय में एक अच्छा खाना, वो भी पॉकेट फ्रेंडली प्राइसेस पर मिलना बहुत ही मुश्किल है, खासकर इतनी महंगाई के ज़माने में। तो इसी बीच आज हम आपको लेकर आए हैं दिल्ली के जनकपुरी में। यहाँ पर चायोब्स ने अपना एक नया आउटलेट खोला है। आपको बता दें, चायोब्स एक फ्रेंचाइजी है जो काफ़ी तेज़ी से जो है पूरे भारत में फैल रही है। इनके पूरे पैन इंडिया 50 से भी ज़्यादा आउटलेट्स हैं। तो इस वक्त हमारे साथ चायोब्स के कोफाउंडर मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कैसी रही इनकी पूरी जर्नी। सर, सबसे पहले अपना नाम बताइए। जी, सतवीर सिंह मेरा नाम है और आई एम दी CEO एंड कोफाउंडर ऑफ चायोब्स। अच्छा सतवीर जी, ये बताइए, चायोब्स एक अनोखा नाम है, पूरा मतलब जो देश है, इतनी तेज़ी से पूरे देश में ये आउटलेट जो है फैल रहा है, अपने कदम जमा रहा है, तो कैसा लग रहा है इतना जो अचीवमेंट आपको देखने को मिल रहा है? सबसे पहले तो शुक्रिया आपका यहाँ पे आने के लिए। देखिए, मैं अगर मैं बात करूँ, मैं आज से 7 साल पहले जाना चाहूँगा। कुछ 6-7 साल पहले मैं कहीं पर नौकरी करता था, तो वहाँ मेरे को क्या है, शुरू से आदत है, मैं चाय बहुत ज़्यादा दिन में कंज्यूम करता हूँ। सुबह मेरे को चाय चाहिए दिन में, बिकॉज काम करते करते फैड अप हो जाता बंदा जी। तो वहाँ से ये आइडिया मेरे दिमाग में आया। फिर आइडिया आया कि यार, चाय तो ठीक है, बट इसके अंदर कुछ अलग कैसे किया जाए, बिकॉज चाय तो हर घर घर में लोग पीते, अब मैं आउटलेट पे आके क्यों पियेंगे। तो भी फिर उसके बाद इस पर मैंने थोड़ी सी रिसर्च की, कुछ फ्लेवर डेवलप किए, और उसके बाद समझा कि चाय अगर बॉस लोगों को पिलानी है ना, तो कुछ अलग करना पड़ेगा, चाय के टेस्ट को थोड़ा सा इनहेंस करना पड़ेगा। जो चाय का टेस्ट घरों में मिलता है, उससे कुछ अलग लोगों को पिलाना पड़ेगा। फिर उस पर काम किया, रिसर्च की, उसके बाद 15-20 फ्लेवर डेवलप किए, और फाइनली और उसके बाद हमने पहला आउटलेट स्टार्ट कर दिया गुरुग्राम के अंदर। और हमने जब आउटलेट स्टार्ट किया तो कुछ खामियां भी दिखी उसके अंदर, उनको हमने दुरुस्त किया, लोगों को चाय पिलाई। और आप बिलीव नहीं करेंगे, वहाँ पे जैसे ही हमने आउटलेट ओपन किया था, उसके 10-15 दिन के बाद लोग बहुत ही बड़ी तादाद में शाम के टाइम ऑफिस ख़त्म होने के बाद चाय पीने आते थे और इन्जॉय करते थे। तो उनके फीडबैक्स आए, उनसे काफ़ी मोटिवेशन मिला, उनकी भी चाय बहुत बढ़िया है, ये ऐसी चाय हमने कभी पीनी है, घरों में नहीं मिलती है, तो वो एक मोटिवेशन वहाँ से मिला हमको। उसके बाद सोचा कि भी एक और आउटलेट बना के देखते हैं क्या रिस्पांस मिलता है, कुछ सुधार करने की ज़रूरत है चाय में। एक और फिर हमने आउटलेट ओपन किया इसमें उड़ीसा के अंदर, वो भी सक्सेसफुल रहा, वहाँ से और कॉन्फिडेंस आया कि दूसरा आउटलेट भी सही चला। फिर तीसरा आउटलेट हमने देहरादून में बनाया। अच्छा, वहाँ पर भी लोगों को बहुत पसंद आया, लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, और वहाँ पे तो जो वहाँ के वो है मजिस्ट्रेट हैं, वो खुद आए थे हमारे जो चाय ऑप्स में चाय पीने, उन्होंने बहुत अप्रिशिएशन दिया। तो ये सब मिला के एक अच्छा मोटिवेशन था मेरे लिए। फिर उसके बाद मैंने डिसाइड किया, बॉस अब तो इसी के अंदर ही चलना है, यही करना है। उसके बाद फिर हमने इसको पूरा ऑर्गेनाइज़ किया और प्लान किया कि पूरे भारत के अंदर इसको एक्सपेंड करना है। फिर हमने इसकी फ्रेंचाइजियाँ शुरू की, पहली फ्रेंचाइजी दी हमने, और पहली फ्रेंचाइजी देने के बाद वो फ्रेंचाइजी सक्सेसफुल रही, ऐसे करते करते 1, 2, 3, और आज ये जो जर्नी आज से कुछ साल पहले शुरू हुई थी 2017 में, वो 50 आउटलेट पे आ चुकी है। सर, चायोब्स अपने आप में एक अनोखा नाम है, तो ये जो नाम है, इसका ख्याल कैसे आया आपको? देखिए, चायोब्स का ऐसा कुछ दिमाग में था नहीं कि बेसिकली क्या है,
कुछ ऐसा नाम मेरे को चाहिए था जो कि आई मीन अलग से चाय को वो करे, रिफ्लेक्ट करे, जो भी पढ़े उसको लगे कि भी यहाँ पे जो कुछ चाय यूएसपी चाय है, स्पेशल होगा मतलब चाय में। तो फिर वहाँ से आई मीन हमने दो तीन नाम शॉर्टलिस्ट किए, फिर देखा कि यार कोई नाम ऐसा होना चाहिए जो तुरंत ज़ुबान पे आना चाहिए, वन टाइम में इन बंदे को रिकॉल वैल्यू उसकी आ जाए, यानी कि वो याद हो जाए। उसके बाद फिर एक छोटा सा नाम चाय ऑप्स में यही शुरू करते हैं, यही अच्छा नाम रहेगा, तो फिर स्टार्ट कर दिया इसी नाम से ही। और सर जैसे कि मैंने जब मतलब यहाँ पर रेट्स देखे, ऑर्गेनिक चाय है आपने बताया, तो सर एक क्यूरियोसिटी मेरे मन में, मैं जानता हूँ कि और भी लोग हैं जो चाय ऑप्स में आते होंगे जिन्होंने ट्राई किया है, उनके मन में भी ये क्यूरियोसिटी होगी कि सर एक टपरी में भी अगर हम चाय पीने जाते हैं तो वहाँ पर भी हमें 15 से 20 रुपये एक चाय के देने पड़ते हैं, उसी रेट में हमें यहाँ पर जो है एक ऑर्गेनिक चाय मिल रही है, तो सर ये आप कैसे प्रोवाइड कर पा रहे हैं? देखिए बेसिकली क्योंकि मैं खुद एक मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, तो टू बी वेरी फ्रैंक मैं जब स्कूल में था तो मैं जो बड़े आउटलेट चलते हैं तो कभी सोचता था कि यार इन आउटलेट में जाने के लिए जेब में कितना पैसा चाहिए, तो वहाँ से ये मेरे दिमाग में आया कि यार अगर कुछ करना है तो मेन क्या, जो मिडिल क्लास लोग हैं उनके लिए एक ब्रांड बनाना है, एक ऐसा ब्रांड जो उनकी पॉकेट अलाउ करे वहाँ पे सर्विस लेना, एक फैमिली के साथ वहाँ पे सेलिब्रेशन करना या दोस्तों के साथ इंजॉय करना। तो प्राइस उस हिसाब से डिज़ाइन किए गए हैं जो कि एक नॉर्मल इंसान की जिसकी पगार जो होती है 10,000-8,000 वो भी आके सर यहाँ पे जो है चाय को इंजॉय कर सकता है और बाकी के मेन्यू को भी इंजॉय कर सकता है, क्योंकि आपने जैसे मेन्यू में देखा होगा जो हमारे रेट है वो बहुत ही रीज़नेबल है, बाकी जितने भी लोग मार्केट में हैं, जितने भी शॉप हैं या ब्रांड हैं, उनसे कम ही रेट हमने रखे हैं जी। सर मेन्यू की आपने बात की है तो हमारे दर्शकों को ये भी बता दीजिए कि चाय ऑप्स क्या क्या मेन्यू में देता है हमारे दर्शक? चाय ऑप्स के पास वैसे तो 200 से ज़्यादा वैरायटी है मेन्यू के अंदर, लेकिन मैंने एक चीज़ और नोटिस की कि भाई ये इंडिया है, इंडिया के अंदर क्या है अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं। अभी साउथ चले जाओ, साउथ में अलग कल्चर है, नॉर्थ ईस्ट में चले जाओ, नॉर्थ ईस्ट में अलग कल्चर है, तो मैंने क्या करा कि मेन्यू के अंदर 80% मेन्यू मैंने फिक्स कर दिया जो स्टैंडर्ड मेन्यू है चाय ऑप्स का, और 20% मेन्यू के अंदर वो फ्लेक्सिबिलिटी रखी जो जहाँ पर भी आउटलेट हमारा ओपन होता है, लाइक अगर मैं साउथ में ओपन कर रहा हूँ तो मैं साउथ में ये ध्यान हम रखते हैं, कोशिश करते हैं कि वहाँ के लोगों का जो टेस्ट बढ़ा है उसको मैच करा जाए, तो 20% मेन्यू हम वहीं से जो सबसे पॉपुलर फूड होते हैं, फेमस फूड होते हैं, जो लोगों की डिमांड रहती है उसको हम मेन्यू के अंदर ऐड कर देते हैं जी। मेन्यू में नॉन वेज भी है? जी बिल्कुल, वेज नॉन वेज दोनों मेन्यू में रहता है। सर चाय तो आपकी यूएसपी है ही, चाय ऑप्स नाम है, और सर उसके अलावा मतलब स्पेशलिटी क्या है आप? उसके अलावा बहुत स्पेशलिटी है पिज़्ज़ा, एक्चुअली क्या है डो वाला पिज़्ज़ा मैं खा खा के बोर हो गया, मैं अपने किसी फ्रेंड को भी कॉल करता था, मैं चलो पिज़्ज़ा पार्टी करते हैं, कह रहा है यार पिज़्ज़ा तो बहुत खाया है कुछ और करते हैं। तो उसके बाद मेरे दिमाग में आइडिया आया कि आई मीन पिज़्ज़ा के अंदर कुछ इनोवेशन की जाए, क्योंकि अंग्रेजों ने यहाँ पर पिज़्ज़ा खिलाया इंडिया को, इंडिया के सभी लोगों को, मैंने सोचा मैं अंग्रेज़ों को कुल्लड़ पिज़्ज़ा खिलाऊंगा, पहले अपने भारत को खिलाऊंगा, उसके बाद फिर इंडिया से बाहर जाएंगे, वहाँ पर भी अंग्रेज़ों को कुल्लड़ पिज़्ज़ा खिलाएंगे। यानी देसी पिज़्ज़ा खिलाना है? बिल्कुल करेक्ट। उन्होंने अपना बेचा, हमने अपना बेचे। बिल्कुल नहीं, मेन क्या देखो मेरा जो विजन है ना, क्योंकि मैं जब स्कूल में था तो मैंने जो स्कूल में सिर्फ स्टडी नहीं की, मैंने उनको उन पर अमल भी किया है, मोस्टली सबका अपना वो होता है। मैंने क्या देखा कि यार इंडिया के अंदर ब्रांड जो है वो डोमिनेट कर रहे हैं जो कि बाहर से आए हुए ब्रांड है, मेरा विजन है इस ब्रांड को उस लेवल पे लेके जाना, पहले मैं पूरे इंडिया में इसको एक्सपेंड करना चाहता हूँ, फिर बाहर इंटरनेशनल जाके अंग्रेज़ों की ज़िंदगी में घुसना चाहता हूँ, जैसे आज अंग्रेज़ हमारी ज़िंदगी में घुस गए, भाई पिज़्ज़ा कहाँ की देना बाहर की है, ठीक है बर्गर कहाँ की देना वहाँ की है, अब मैं चाय दूंगा और कुल्लड़ पिज़्ज़ा भी दूंगा, अब वो डेली सुबह उठ के कॉफ़ी नहीं पियेंगे चाय पियेंगे, तो वो विजन है जो आने वाले 2-3-4 साल के अंदर मैं कंप्लीट कर लूँगा, और आप भी यही हो मैं भी यही हूँ, आप भी देख पाओगे इस चीज़ को। सर दिल्ली एनसीआर में टोटल कितने आउटलेट्स हैं? दिल्ली एनसीआर में अभी जो एक्टिव आउटलेट्स हैं वो 3 हैं, एक हमने जेपी ग्रीन्स में ग्रेटर नोएडा में ओपन किया था, काफ़ी टाइम हो गया अच्छा चल रहा है, और जैसे मैंने गुरुग्राम में आपको बताया था M3M अरबाना में दूसरा आउटलेट है, तीसरा अभी जहाँ पे हम बैठे हैं डिस्ट्रिक्ट सेंटर में जो कि दिल्ली वेस्ट में आउटलेट है ये ओपन किया, अभी हमारे अपकमिंग आउटलेट हैं NSP में आउटलेट आ रहा है, गाज़ियाबाद में आउटलेट आ रहा है, तो इस तरीके से अगले 2 महीने के अंदर कुछ 10-12 आउटलेट पूरे इसमें दिल्ली NCR के अंदर ओपन हो जाएंगे।
सर एक आखिरी सवाल, चायोप्स को लेकर फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? देखिए चायोप्स को लेके पहला तो मेरा फ्यूचर प्लान यही है कि जो अपकमिंग ईयर है टिल मार्च 2023, पहले तो 100 आउटलेट इंडिया में कंप्लीट करने हैं। उसके बाद अब मैं पूरे तरीके से रेडी हूँ, प्रिपेयर हो चुका हूँ, अब क्या है इंटरनेशनल टेक ऑफ करना है। ठीक है, तो इंटरनेशनल भी मैं ऑलमोस्ट इस साल के उसमें जुलाई अगस्त के बाद मैं इंटरनेशनल भी मूव कर जाऊँगा इस ब्रांड को लेके, जो कि मेरा मेन विजन वही है कि भाई पहले मैं मतलब इंडिया के अंदर एक्सपेंड हो गया, एक अच्छा लोगों को पसंद आया, मेरे को अब इससे पूरा विश्वास आ चुका है कि अगर हमारे भारत के लोग इसको बहुत प्यार दे रहे हैं तो अब मैं रेडी हूँ बाहर जाने के लिए, इंडिया से बाहर। तो शुरुआत मैं यूएई से करूँगा, पहले यूएई में जाएंगे, यूएई के लोगों को चाय पिलाएंगे, उसके बाद फिर दूसरी कंट्री में मूव करेंगे, तो यही मेरा प्लान है। यहाँ पर हमारे साथ कुछ कस्टमर्स मौजूद हैं, इनसे इनका फीडबैक लेते हैं। सर आप पहली बार चाय उप्स पर आए, कैसा लगा आपको टेस्ट? एब्सोल्युटली अमेजिंग, देयर इज नो डाउट। एंड दिस फ्रेंचाइजी आई हैव टेस्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम, लाइक दे हैव गॉट डिफरेंट आइटम्स, एक कूलर पिज्ज़ा है, इट इज द फर्स्ट टाइम आई हैव ट्राइड दिस काइंड ऑफ पिज्ज़ास। आई हैव बीन टू लॉट मेनी कैफेज बट दिस इज द फर्स्ट टाइम। आई विश देम ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर एंडेवर्स, दिस ब्रांड विल डेफिनेटली ग्रो। All the best to these guys. Sir, आपने चाय भी ट्राई की है इनकी, जो इनकी USP है? चाय, my colleagues have tried actually. So I have tried lemonade. So chai, they have told like it's an organic flavors. They are doing all the organic kind of stuff. I believe that's not available anywhere. That's what's been told. And this is the chap and other team. I really appreciate their efforts. And it is the prime location. I believe this brand has got very big scope in the future. I wish them again best of luck guys. हमारे साथ यहाँ पर कुछ और भी कस्टमर्स हैं, इनसे भी बात करेंगे, इनका भी फीडबैक लेंगे। सर कैसा लगा आपका चाय उप्स का पहले एक्सपीरियंस, कैसा रहा? आई हैव ट्राइड चाय, इट इज़ ए गुड, एंड ऑल्सो आई ट्राइड पिज्ज़ा, दैट इज एक्सीलेंट क्वालिटी। आई होप इट इज़ ए वंडरफुल एक्सपीरियंस, एंड इन फ्यूचर डेफिनेटली आई विल ट्राई मोर एंड मोर आइटम्स। सर आपने क्या क्या ट्राई किया है? सर हमने बर्गर आपका यहाँ का ट्राई किया, एंड कूलर पिज्ज़ा हमने आल्सो ट्राई किया है यहाँ पे, तो दोनों का टेस्ट वाइज रियली गुड, एंड आई एम ट्राई टू शेयर विद माय फ्रेंड आल्सो। सर टेस्ट वाइज अच्छा है, बजट वाइज? हाँ बजट वाइज आल्सो इज़ वेरी गुड, कई ये काफ़ी इकोनॉमिकल प्राइस में है, इवन आई थिंक एक नॉर्मल पर्सन में इजीली यहाँ पे अपना आके अपना इंजॉय कर सकता है अपनी फैमिली के साथ भी आके। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली अप टू डेट।